हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल टिप्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो एलजी फाउंडेशन है। सो इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और बहुत सारे रिव्यू भी देखे होंगे। मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। सो देख लेते हैं हम वो फाउंडेशन। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, देख सकते हैं आप। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ये रोज गोल्ड कलर एंड ब्लैक कलर में पैकेजिंग दी गई है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। और इसमें ऊपर लिखा हुआ है फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो एसडी रनवे रेडी फाउंडेशन ल्यूमिनस फिनिश। सो ये कुछ इस तरीके से है। अब हम इसके बैक में जाए तो इसमें सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी गई है। अल्टीमेट प्रो एसडी रनवे रेडी फाउंडेशन ल्यूमिनस स्किन मेड फॉर द स्पॉटलाइट। इसके बेनिफिट दिए गए हैं और फॉर्मुलेटेड इन इटली लिखा हुआ है। फ्री फ्रॉम, ये पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, नैनो इंग्रेडिएंट्स OGM ये फ्री है। सो इसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज और बाकी सारी चीजें। अब हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 1499 रुपीज है, मतलब कि 1500 मतलब 1500 रुपये इसका प्राइस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी आपको मात्र 30 ml की मिलेगी, इसका प्राइस उसके हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके वर्क की बात करें तो उसके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आप ड्राई स्किन वाले हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इसके सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी सेल्फ लाइफ हमें 3 ईयर्स की मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अगर मैं ये सब पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, सो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पढ़ नहीं रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो इसमें बेनिफिट देख लेते हैं हम। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि ये बिल्डेबल है, हाई कवरेज देगा आपको। तो हाई कवरेज तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत, मतलब कि मीडियम से तो ज़्यादा ही कवरेज देगा ये आप लोगों को। एंड इसमें लिखा है हाइड्स इम्परफेक्शन एंड करेक्ट अनइवन स्किन टोन। तो जो भी आपकी अनइवन स्किन टोन है आप उसको इवन टोन करेगा। इसमें लिखा हुआ है 40% ऑफ द फॉर्मूला इन्फ्यूज्ड विद 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। सो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। सो आपके जो स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेगा। फिर इम्पार्स नेचुरल फ्रेशनेस देगा आपकी स्किन में एंड ह्यूमिडिटी टू एनी स्किन टाइप। सो ये एनी स्किन टाइप है, आप ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं, ऑयली स्किन वाले, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, नैनो इंग्रेडिएंट्स OGM ये फ्री है। और अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। और इसमें लिखा है गाइस एनिमल टेस्ट फ्री है ये। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें शेड देख लेते हैं मेरा, तो मेरा शेड 02 है नेचुरल। और इसमें कस्टमर केयर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। सो पैकेजिंग कुछ इस तरीके से हो गई। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं मुझे एक कार्ड मिला है जिसमें इसके बारे में ही लिखा हुआ है। सो ये कुछ ये कार्ड है एंड ये है प्रोडक्ट। सो ये कुछ इस तरीके से है। ये एक कांच की बॉटल दी गई है एंड प्लास्टिक का कैप दिया हुआ है गोल्डन, रोज गोल्डन कलर का, जो कि काफी अच्छा है। और इसमें कांच की बॉटल में लिखा हुआ है फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो रनवे रेडी फाउंडेशन। और अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये कैप दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये कैप दिया गया है, इसे मैंने यूज किया है। सो ये कैप बहुत ही अच्छा है, जिससे कि ये आप आराम से इसमें ले सकते हैं, आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए और आप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। सो मैं अभी आपको इसकी टेक्सचर बताती हूँ कि ये किस टेक्सचर का है। सो देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा रनी भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है इसका टेक्सचर। सो ये कुछ इस तरीके से है। आप सोचें कि आप ये किस स्किन में यूज़ कर सकते हैं, आपको इसको देखना है तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। सो एक शेड देख लीजिए आप इसका, तो ये शेड आप देख सकते हैं मेरी स्किन से एक शेड लाइट है ये, बट ये आप जब इसको यूज़ करेंगे तो क्या है कि इसमें ये जब सेटल होगा तो आपकी स्किन में ये ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल दिखेगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखेगा कि आपकी स्किन में आपने बहुत सा फाउंडेशन या बहुत सा मेकअप किया हुआ है।
सो देख सकते हैं आप। अब हम इसको ब्लेंड करके देखें तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, मैं इसको करके दिखा रही हूँ। सो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, देख सकते हैं आप मेरी स्किन, ये थी ये हो गई। सो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो अब हम इसमें इसका डेमो देख लेते हैं कि आप लोगों को इसको कैसे यूज़ करना है आपकी स्किन में। सो चलते हैं हम अपने डेमो की तरफ। देख सकते हैं अभी मैंने अपने फेस में कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। मैंने सिर्फ टोनर अप्लाई किया था, अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ही लाइट फॉर्मूला है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस कभी भी आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं या कोई भी मेकअप करते हैं तो हमेशा आपको अपनी स्किन केयर करना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहेगी और आपकी स्किन का टेक्स्चर भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि हमेशा आप टोनर यूज़ करें उसके बाद मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बिल्कुल हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल लाइट फार्मूला का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना है आपको। और गाइस मैं इसमें कोई भी प्राइमर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस फाउंडेशन का रिव्यू देना आप लोगों को कि ये कैसे ब्लेंड होता है या बिना प्राइमर लगाए ये किस तरीके से लगता है आपके फेस में, आपके स्किन में। सो इसलिए मैं इसमें कोई भी प्राइमर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर से क्या होता है कि आपका फाउंडेशन बहुत टाइम तक के टिका रहता है आपके स्किन में और आपके पोर्स के अंदर नहीं जाता है। सो अब हम इसमें फाउंडेशन ले रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बहुत ही कम ले रही हूँ। मैंने एक पम्प और थोड़ा सा और लिया है। सो ये फाउंडेशन को मैं पूरे फेस में डॉट डॉट करके लगा लूँगी। उसके बाद हम एक तरफ ब्यूटी ब्लेंडर की तरफ से हेल्प से पूरा ब्लेंड करेंगे और एक तरफ ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को दोनों की कवरेज पता चल जाएगी कि किस में कितनी कवरेज मिलती है। और अगर आप लोगों को हैवी कुछ पार्टी मेकअप कर रहे हैं या कहीं पे जाना है नाइट टाइम, तो आप उसको टू लेयर लगा सकते हैं इसके। लेकिन मुझे वन लेयर में ही इसका अच्छा रिजल्ट मिल गया था, मुझे सिंपल मेकअप करना था। सो मैं इसमें वन लेयर ही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी अच्छी कवरेज है। सो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये एक तरफ ब्लेंड किया है, देख सकते हैं आप, बढ़िया जल्दी से ब्लेंड हो गया है। और ये कोई भी ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। सो आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर से आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ये आपका फाउंडेशन। और आप देख सकते हैं इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप, एक तरफ मेरा फेस दिख रहा होगा आपको और एक तरफ बिल्कुल मैंने फाउंडेशन जो अप्लाई किया है उसकी फिनिश, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से आया है ये। सो एक तरफ अब हम अपने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, और ये ब्रश भी कोई ब्रांडेड नहीं है, इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। सो अभी हम इसको ही यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है हमारे फाउंडेशन को। सो गाइज आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, जिससे आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सो देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैं आपको इसकी कवरेज देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ इसकी कवरेज। जहाँ से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है वहाँ पर हल्की हल्की शाइन दिख रही होगी आपको, और जहाँ से मैंने ब्रश से अप्लाई किया है वहाँ बिल्कुल मैट फिनिश दे रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये फाउंडेशन लेने के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छी कवरेज देगा आपको। सो गाइस जैसा कि देखा आपने इसका डेमो, आपको इसको कैसे यूज करना है, आपके स्किन में इसको कैसे लगाना है, सारी चीजें आपने देखी। सो अगर आप लोगों को ये फाउंडेशन परचेज करना चाह रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये आपको purple.com में मिल जाएगा, नायका में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को और भी प्रोडक्ट के रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाऊंगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।